सदा जिए सदा जवान पुट हो। या अल्लाह पाक खैर करे यार। स्मेल कैसी आ रही है ये देखो पूरा फूट
ये एक छोटा सा मैसेज है पाकिस्तान रियासत को, सिंध गवर्नमेंट को। हम सबको ये बताना चाहते हैं कि सिंध से मंसूबे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसमें DHO सिटी हो, कमांडर सिटी हो, कराची से लेकर नूरियाबाद तक जो भी मंसूबे हम सारों को रद्द करते हैं। अगर ये खत्म नहीं किए गए तो सिंध का आवाम पूरे पाकिस्तान को जला के रख देगा। देखो ओए ओए बैरियाले आ जाओ भाई, सारे बैरिया ही सड़ गया है। तेरी खैर। देखो सर हूँ बैरिया देखो जिन्हों के फ्लैट हैं वो देखो ना, कुछ बच्चा है उन्होंने इतना कीमती बैरिया अगर बस इन्होंने बैरिया का ऑफिस चलाया, पता नहीं ये ऑफिस है या पूरी बिल्डिंग चलाई है ना, वो उधर भी तो जला देते ना, उधर एक जगह दे ऑफिस हो सकता है ना। असी सर्विस ते जाना। हां सर्विस में उत्ते जा भी नहीं सकते, सारा कुछ बंद ते पिया। जी जी पैरिया च नहीं जान दे रहे किसी ने, मोटर वे बंद किता है, ये बंद किता होता है रोड चल रहे होता नहीं जी, सवाल ही पैदा नहीं आता किलोमीटर पहले दा है। अच्छा अच्छा तो ये लाइन होनी है तकरीबन 20 किलोमीटर तक नजर आ रही है सानू। ये बैरिया दे विच आके देखो सारी ओ पूरा जल गया बैरिया, देखो बैरिया नु जला दिता है देखो ना। हां पूरे बैरिया नु जला दिता है। ओए ओ हुण देखो एक मिनट रोक के देखो बैरिया पूरी आग लगा दी बैरिया च, छोटी छोटी बना ना कट के फिर बना। ये पिज़्ज़ा हट के सामने आग लगाई हुई है इस वक्त, और ये सिक्योरिटी है ये इनका दिख रहा है सारा मेन डोर टोर के सारे अंदर आ चुके हैं। ये देखें हमारा पूरा बैरियर टाउन का गेट जला दिया गया है।
ये कौन सा सिंध का कल्चर है, ये कौन से सिंध की हवा में जो कि ऐसे करने की इजाजत देती है। इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।